वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज जो इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भारत के प्रमुख जलप्रपात और नदी हैं। अब देखिए केवल 4 क्लासेस और लगनी हैं और आपका इंडियन ज्योग्राफी अब कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी बच्चे अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं आप लोग रेडी हो जाइए, ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है और प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, उनसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट मैंने आप लोगों से पूछा था तो कुछ लोगों ने मुझे वर्ल्ड मैपिंग के लिए कहा, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको स्टार्ट करने को कहा और कुछ ने हिस्ट्री के लिए कहा है। तो आप लोग अब कमेंट कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक साथ एक जगह आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, PDF नोट्स, उसके साथ साथ पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट हो या फुल लेंथ टेस्ट हो, इन सभी जानकारी के लिए आप देखिए यहाँ पर आपको ये नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, आप इन पर कॉल करके या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। तो हम एक लिस्ट के फॉर्म में सारे जलप्रपात देखेंगे किस राज्य में है और किस नदी पर है, ठीक है। तो देखिए जो ये कुंचिकल जलप्रपात है ये शिमोगा कर्नाटक में है जो कि वराही नदी पर है। बरेही पानी जलप्रपात ये उड़ीसा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित 2 स्तरों वाला जलप्रपात है और यह बुधबलंगा नदी पर है। फिर है दूध सागर जो कि गोवा में है मांडवी नदी पर, और मीन मुट्टी जो है ये है वामनपुरम नदी पर वायनाड केरल में। थलैयार जलप्रपात है तमिलनाडु में मंझलार नदी पर, और भंबावली वजराई है उर्मोदी नदी पर महाराष्ट्र में। देखिए मेरे पास एक बच्चे का कमेंट था कि नोट्स बनाने के लिए आप बहुत कंफ्यूज हो और नोट्स देख करके आपको लगता है कि सब कुछ आपका जो है ये कंटेंट वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए फिर नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। अगर आप नोट्स में आपको सब कुछ इम्पॉर्टेंट लग रहा है, अगर आप सब लिखोगे तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो नोट्स है ही, आपकी दूसरी एक बुक और दूसरे उतने नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और आप उनको रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। नोट्स ऐसे होने चाहिए जिनको आप प्रॉपरली रिविज़न कर सकें कम समय में। जैसे कि अब मैं ये लिस्ट के फॉर्म में पढ़ा रही हूँ आपको, कुछ तो आपको याद होंगे, जो नहीं याद है उनको करने का सही से तरीका है आप इंडिया का मैप ड्रॉ कीजिए। मैप में आपको अब सभी स्टेट याद हो गए होंगे, इतने दिन से आप मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो सारे मैप, अगर नहीं याद है तो आप एक मैप ऐसा ले लीजिए पॉलिटिकल जिसमें सारे स्टेट बने होते हैं। अब जैसे कि मैंने तमिलनाडु में जितने भी आपको वाटरफॉल पढ़ाए सब वहीं पर मार्क करके एक जगह लिख लीजिए, तो आपको अब 4 जो आपके पेज तैयार होने थे एक नोट्स में वो नहीं होंगे और एक ही मैप में आपको सारे जलप्रपात मिल जाएंगे, ऐसे ही सारी झील एक जगह हो जाएंगी। तो मैपिंग के जरिए से आप अपने नोट्स शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आपको किसी कंटेंट में लग रहा है आपके पास, जैसे आपने नोट्स PDF प्रिंट आउट करा ली है, कुछ बच्चे पेड कोर्स के हैं ना, तो अगर आप पेड कोर्स ले रखे हैं आपको PDF मिल गई है आप उनको प्रिंट आउट कराइए। प्रिंट आउट कराने के बाद उनको हाईलाइट कर लीजिए जहाँ पर चीज़ें आपको नहीं याद हो रही हैं, उनको हाईलाइट करके या कोई एक्स्ट्रा फैक्ट लग रहा है आप वहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर होते हैं। दूसरी बात, जैसे कि 3 साइज़ का एक पेपर आता है, बड़ा पेपर होता है, या फिर आप 4 साइज़ का भी पेपर ले सकते हैं। ये पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है इंडियन ज्योग्राफी, उस एक पेज में जो कि 3 साइज़ का पेपर आप शुरू कीजिए, जो शॉर्ट चीज़ें हैं जो आपको नहीं याद हो रही और आपको लगता है ये लिखना है और ये पूछा जाएगा, आप क्या करेंगे और ये कैसे पता चलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस से, अभी जो आपने पिछला पेपर भी एनालाइज किया उसके ज़रिए से आपको पता चलेगा कि आपसे आयोग कहाँ से प्रश्न उठा रहा है। वो चीज़ें आप उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए और उस एक पेज में आप देखिएगा पूरा आपका सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। इस तरीके से नोट्स बनाने हैं, बहुत ज़्यादा आपको ये तैयार नहीं करना है, आपको फिर से वेद पुराण की तरह बड़ा सा ग्रंथ नहीं तैयार करके रखना है। शॉर्ट नोट्स मतलब शॉर्ट, अब इतने भी ना लिखिएगा कि समझ ही में नहीं आ रहा हमने क्या लिखा था, भूल जाइएगा कि हमने कुछ इसमें लिखा था और क्या लिखा था वो याद नहीं आ रहा, ऐसे भी नहीं बनाने, इतने बनाने कि आपको समझ में आ जाए और आप एन टाइम पर रिवाइज़ कर सकें और जब आप पेपर देने जाए तो वही नोट्स आपके काम आ जाए, आप फिर से एक बार देखेंगे, ठीक है, तो वो आपको नहीं भूलेगा। बस यही चीज़ें मैं आपकी हेल्प करना चाह रही थी। अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट करिएगा, इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगी, नोट्स भी दिखा दूंगी। वैसे कई लोगों ने मुझसे कहा मैम आप अपने नोट्स दिखा दीजिए,
बट मैं टाइम निकाल करके आपको वीडियो जरूर शो कर दूंगी। अभी आप कोशिश कीजिए, अगर खुद से बन रहे हैं माइंड मैप बनाइए। आप क्या करिए कि एक जैसे किसी तरह का क्लासिफिकेशन है, एरो बना के वो क्लासिफिकेशन लिख के वहाँ पर शॉर्ट एग्जाम्पल लिख दीजिए, बस बात खत्म। उस पर क्या लिखने की ज़रूरत है कि ये ऐसा है, इसका रंग ऐसा है, इसकी प्रकृति ऐसी है, तो आपको पता ही है, बस एग्जाम्पल लिखिए। इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। बहुत ज़्यादा आपको नोट्स नहीं बनाने हैं बुक की तरह, क्योंकि बुक अवेलेबल हैं मार्केट में, नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं। कितना लिखेंगे, लिखते ही लिखते टाइम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे क्लास में मैं कोशिश करती हूँ कि कम बात हो, जिससे आप अपना कंटेंट प्रिपेयर कर लें, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थी तो मैंने डिस्कस कर लिया है। अभी आगे के वाटरफॉल देखते हैं। जैसे कि बरकाना जलप्रपात है कर्नाटक में सीता नदी पर। जोग या गढ़सोपा बहुत इंपॉर्टेंट है, सागर शिमोगा जिला पड़ता है कर्नाटक में, वहाँ पर है शरावती नदी पर। वनतांग याद रखिए मिजोरम में है, वानवा नदी और कुने, यह है कुने गांव महाराष्ट्र में उल्हास नदी पर। सूजीपारा जलप्रपात ये केरल में है चलियार नदी पर। और थोसेघर जलप्रपात है महाराष्ट्र में, और इस जलप्रपात को ताली नदी के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है मागोड, ये दांदेली कर्नाटक में है बेती नदी पर। जोरांडा उड़ीसा में है बुधबलंगा नदी पर। और हेब्बे जलप्रपात है कर्नाटक में भद्रा नदी पर। डुडमा जिसको मचकुंड के नाम से भी जानते हैं उड़ीसा में है मचकुंड नदी पर। लोधी झारखंड में है बुरहा नदी पर। और बाहुती जलप्रपात है मध्य प्रदेश में सेल्लार नदी पर। इसके बाद आ जाता है बिशप, ये है मेघालय में उमियम नदी पर। बिशप के बाद चचाई है एमपी में बीहड़ नदी पर। फिर क्योटी है मध्य प्रदेश में महाना नदी पर। कलहट्टी जलप्रपात है कर्नाटक में शरावती नदी पर। और शरावती पे ही अभी आपने जोगिया गढ़सोपा भी पढ़ा था। फिर है बीदो, ये मेघालय में है उमियम नदी पर। वांतवांग मिजोरम में है वानवा नदी पर। शिव समुद्रम है कर्नाटक में कावेरी नदी पर। और लोअर घाघरी झारखंड में औरंगा नदी है, जो कि घाघरी नदी की सहायक नदी है। फिर है हुंडू झारखंड में है सुवर्णरेखा नदी पर। इम्पॉर्टेंट है अगया गंगई जलप्रपात है तमिलनाडु में अय्यारू नदी पर। गाथा है एमपी में केन नदी, गाथा जलप्रपात का ये स्रोत है। ठीक है, और अगला है तीरथगढ़, ये छत्तीसगढ़ में है मुनगा बहार नदी पर। लांगशियांग मेघालय में है किंशी नदी। वजाचल और अथिरापल्ली केरल में है चलाकुड़ी नदी पर। और फिर उंचली जलप्रपात है जो कि अघनाशिनी नदी पर है कर्नाटक में। इसके बाद आ जाता है गोकाक जलप्रपात, ये घाटप्रभा नदी पर है कर्नाटक में। धुआंधार है नर्मदा नदी पर एमपी में। चूलिया जलप्रपात है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में चंबल नदी पर। और राजरप्पा जलप्रपात है रामगढ़ झारखंड में। और यह राजरप्पा दामोदर और भैरवी, स्थानीय रूप से भेरा कहा जाता है, नदियों के संगम पर स्थित है। जोरांडा जलप्रपात मयूरभंज उड़ीसा में है। और कपिलाधारा और दुग्धधारा ये अमरकंटक मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी पर। इसके बाद अगला आ जाता है टाइगर प्रपात, जो कि चक्राता उत्तराखंड में है। चूलिया जलप्रपात अभी पढ़ा था राजस्थान में चंबल नदी पर। चित्रकूट या फिर चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नदी पर। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है वराही नदी पर। और कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद आ जाता है गौतम धारा या जोना जलप्रपात, जो कि झारखंड में है रारू नदी पर। झारखंड में ही दसम और साडनी जलप्रपात भी याद रखने हैं। ये जो दसम जलप्रपात है ये कांची नदी पर है, और साडनी जलप्रपात शंख नदी पर है। नौसंगीथियांग या फिर मौसमाई या सेवन सिस्टर्न वाटरफॉल, अर्थात ये सेवन सिस्टर्स वन वाटर या सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, जो कि मेघालय में है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर है किनरेम, ये जलप्रपात मेघालय में है। और खंडाधर सुंदरगढ़ उड़ीसा में ये जलप्रपात है। आगे भी देख लीजिए, पलानी है हिमाचल प्रदेश में, इनका लोकेशन आपको बस याद रखना ज़रूरी है। फिर है नौ कलिकाई, ये पूर्वी खासी पहाड़ियों में है मेघालय में, स्वीट मेघालय में है। किलियूर तमिलनाडु में है, कुडुमारी कर्नाटक में है। मुथ्याला मुधवू ये कर्नाटक में है, कर्नाटक के और भी हैं जैसे केप्पा कुसल्ली दब्बे। ठीक है, पांडवगढ़ में महाराष्ट्र, मतलब पांडवगढ़ जलप्रपात महाराष्ट्र में है। और रजत जलप्रपात हो गया मध्य प्रदेश में। बुंडला हिमाचल प्रदेश, तलाकोना आंध्र प्रदेश, और ककोलत बिहार में। एलिफेंट प्रपात है शिलोंग मेघालय में। तो एक लिस्ट हो गई जो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल हैं,
जो किसी राज्य में किसी न किसी नदी पर है और अक्सर करके आपसे नदी या फिर इनका लोकेशन पूछा जाता है। पर अब जो हम लोग लिस्ट पढ़ने वाले हैं इसमें भारत के जो भी वाटरफॉल हैं राज्य के हिसाब से देखेंगे कि किस राज्य में कौन कौन से वाटरफॉल हैं जो एक जगह आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक जलप्रपात हमने देखे थे किस राज्य में है और किस नदी पर है, अब एक राज्य डिस्कस करेंगे उसमें कौन कौन से जलप्रपात हैं वो सारे एक जगह आ जाएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात करते हैं थ्रिशूर केरल की, तो केरल के थ्रिशूर में वझाचल जलप्रपात है, अथिरापल्ली जलप्रपात है, बेलगांव कर्नाटक में जोग जलप्रपात है, तमिलनाडु में किलियूर जलप्रपात है, अगया गंगई जलप्रपात है और तमिलनाडु के विरुधुनगर में अय्यनार जलप्रपात भी है। बात करते हैं कर्नाटक में तो बेलगांव आपने देखा इस जगह पर जोग जलप्रपात था, लेकिन शिमोगा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर बरकाना जलप्रपात है, कुंचिकल जोग या फिर महात्मा गांधी है। गोवा में दूध सागर याद रखिए, कोरापुट जो उड़ीसा का क्षेत्र यहाँ पर दुधमा जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ में तीर्थगढ़ है और मध्य प्रदेश में धुआंधार है जो कि नर्मदा नदी पर जबलपुर के नज़दीक स्थित है, और हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना बुंदला और तथा पालनी जलप्रपात। ठीक है, झारखंड में घघरी हुंडरू जोहना ये सारे जलप्रपात आ जाते हैं। अब कर्नाटक के एक साथ सारे देख लीजिए जलप्रपात, जैसे कि एब्बे जलप्रपात है, एरेसिना गुंडी जलप्रपात है, हेब्बे है, कालहट्टी जलप्रपात है, केप्पा जलप्रपात है, कुसल्ली जलप्रपात, कुदुमारी, कुंचिकल, मागोद, मेकेदातु, मुथवाला जलप्रपात, साथोड़ी जलप्रपात, सिमसा, चुंची और उनचल्ली जलप्रपात, ये सारे एक ही जगह हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए, दो चार बार पढ़िए याद हो जाएंगे। फिर केरल में अथिरापल्ली है, मीनमुट्टी जलप्रपात है, पालारुवी है, सुचीपाड़ा है और तुषारागिरी जलप्रपात है। देखिए जिन्हें भी ये नहीं याद हो रहे परेशान मत होइए, जब क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इन टॉपिक से हल करेंगे, खुद ब खुद ये सब याद होने लगेंगे। और इनको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अब जो आप पढ़ें वो बस लिस्ट ही बची हुई है, जो टॉपिक एक दो छूट गए वही मैं करा दे रही हूँ, बाकी आपकी ज्योग्राफी इंडियन वाली वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी वो पूरा देख लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए ध्यान से, आपको ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। फिर आप महाराष्ट्र में देखिए कुने जलप्रपात है और मालेश्वर जलप्रपात है, और मध्य प्रदेश में चछाई जलप्रपात, गाथा जलप्रपात, क्योटी जलप्रपात, पांडो जलप्रपात, मेघालय का बियोदोन है, बिशप है, एलिफेंट है। ठीक है, शिलोंग शिखर, किन्नेम जलप्रपात है, लॉन्गशियोंग है, मार्गरेट है, नोकालिकाई है, स्प्रेड ईगल है और स्वीट जलप्रपात है, और मिजोरम में वांतवांग याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ओडिशा में जोरांडा जलप्रपात, बुगदा के नज़दीक है खांडाधार जलप्रपात, तमिलनाडु के जो बचे हुए हैं वो एक साथ देखिए, जैसे कि एंथरवी है, ये इसको पांच फॉल्स भी बोलते हैं, बेमन फॉल्स से पलानी हिल्स, बेयर सोला फॉल्स से कोटागिरी, और फिर आप देखिए चित्रौवी फॉल्स से स्मॉल फॉल्स बोला जाता है, कोर्टलम फॉल्स, एल्क फॉल्स जो कि पलानी हिल्स नेशनल पार्क भी यहाँ पर, वैदकी फॉल्स, थक्कम थूटम फॉल्स ठीक है पलानी के पास है, थेना रूवी फॉल्स है इसको हनी फॉल्स भी बोलते हैं, पझाया कोर्टलम फॉल्स है ओल्ड फॉल्स, पाइकारा है नीलगिरी पर, नेपच्यून फॉल्स है पलानी नेशनल पार्क में, फिर है पुलु अरवी ये टाइगर फॉल्स है, न्यू फॉल्स और मिल्क फॉल्स के नाम से भी जानते हैं, सुरली फॉल्स मदुरई के पास है। रांची झारखंड में लोध जलप्रपात है जो कि बुद्ध जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक में शिव समुद्रम प्रपात है, तमिलनाडु में शीरुवानी है, तमिलनाडु में एक और है थलैयर जलप्रपात रेड टेल के नाम से जाना जाता है, पर तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक और याद रखना है वट्टापराई जलप्रपात, और बिहार में ककोलत फॉल्स। नीलगिरी क्षेत्र में पायकारा जलप्रपात है, नर्मदा नदी पर अर्थात मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है इस पर कपिलधारा है, घाट प्रभा ये कर्नाटक में है, गोकक जलप्रपात है, मयूरभंज उड़ीसा में बरही पानी जलप्रपात मिलेगा, पूर्वी खासी पहाड़ी में नोह कालिकाई, नोहस बंगी, थियांग और किमरेम है। ठीक है, डिंडीगुल तमिलनाडु में थलैयार जिसे रेडटेल के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा जो कि सुंदरगढ़ में आप देखेंगे खांडाधार जलप्रपात है, उड़ीसा के कोरापुट में डुडुमा है, वायनाड केरल में सुचीपारा है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में है पेंचालाकोना,
उत्तरी कन्नड़ में जो कि कर्नाटक का क्षेत्र है मंगोर, अर्थात ये जो मंगोर प्रपात है दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित एक जलप्रपात है, तो ये उत्तरी कन्नड़ जलप्रपात हो गया। जलप्रपात आपके सारे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन मैं चाहूँगी इसी के साथ आप सारे हॉट स्प्रिंग्स भी याद कर लीजिए जो कि अब पूछ लिए जाते हैं। तो ये आप क्षेत्र देखेंगे किस राज्य में कौन कौन से हॉट स्प्रिंग हैं, इनके लोकेशंस के साथ आपको लर्न करना है। जैसे कि लद्दाख में पनामिक, नुब्रा घाटी और चुमाथान। हिमाचल प्रदेश में खीर गंगा है, कसोल है, पार्वती घाटी, पार्वती नदी के तट पर मणिकरण साहिब तीर्थ है, वशिष्ठ है, तत्ता पानी है, अखाड़ा बाजार और मणिकर्ण है। मणिकर्ण, तत्ता पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उड़ीसा में तप्ता पानी है, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। फिर उत्तराखंड में गौरी कुंड, ऋषि कुंड, सूर्य कुंड, तपोवन, सहस्रधारा। सिक्किम में है युमथांग रेशी जो कि हॉट स्प्रिंग है, रालोंग, फुरचाचू। ये सारे हॉट स्प्रिंग कहाँ पे है? सिक्किम में है। वैसे यहाँ पर दे दिया गया है रेशी हॉट स्प्रिंग ब्रैकेट में, बट ये सारे हॉट स्प्रिंग्स ही आप पढ़ रहे हैं। उड़ीसा में तप्ता पानी है, अत्री है और देवलाझरी है। महाराष्ट्र में अरावेली, अकोली, उन्हावरे, बोईसर कोकनी और बज्रेश्वरी है। बज्रेश्वरी पूछा जा चुका है, तप्ता पानी आ चुका, मणिकर्ण भी पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश का धुनी पानी भी इम्पोर्टेंट है, चावल पानी बबे और मेघालय का जकरेम है। सिक्किम का ही अगला जो वाटरफॉल है हमने पढ़े थे युमथांग, रेशी, रालोंग, फुरचाचू, इसमें ही तरामचू भी है। झारखंड में तत्ता पानी है। इसके बाद गुजरात में लुसुंधरा, तुवा, कावी, तुलसी श्याम, लालपुर, धुलेरा और हरियाणा में सोहना है, पश्चिम बंगाल में बकरेश्वर है। ये सारे आपके हॉट स्प्रिंग्स हो गए, इनकी भी लिस्ट आपको प्रिपेयर कर लेनी है। तो सारे वाटरफॉल्स हो चुके हैं और ये हॉट स्प्रिंग्स हो चुके हैं। एक दो टॉपिक और हैं, ये कल परसों की क्लास में आपकी चार क्लासेस और होनी, मैंने बताया इन क्लासेस में आप पूरा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सारी क्लासेस पिछली देखते रहिए, रिवीजन ज़रूरी है, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो नया पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, बार बार भूलता रहेगा। इसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, आपका जो भी सुझाव है, आपका जैसा भी रिव्यू है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और इसके साथ अब नया सब्जेक्ट आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को शेयर कीजिए, और ऐसे ही और टॉपिक आपको आसानी से मिल जाए नोटिफिकेशन, तो उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।